यू सर। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अवार्ड के बारे में बताइए कि नेटली के हाथ से अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है आपके ब्रांड के लिए, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टेज पे। तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा कि ब्रेटली के हाथों से अवार्ड मिलना, वो भी अपकमिंग ब्रांड विच वॉज, जो हमने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना फास्ट इतने इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। और पूरी हम लोग की टीम की पूरी मेहनत और उसका हार्ड वर्किंग और प्रोडक्ट के पीछे मेहनत, ये सब का ये नतीजा है कि हम लोग आज इस मुकाम पर पहुँचे। एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट बिग ऑनर कि हमको उनके हाथों से अवार्ड मिला है। बड़े भाई बता रहे हैं। ओके, सो अगर रिब्स के बारे में बात करें, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में कि रिब्स क्या है, और मतलब नाम काफ़ी यूनिक लगा मुझे, तो अगर नाम जो है रिब्स जो नाम है, ये वैसे तो हम लोग चौथी जनरेशन है इस लाइन परफ्यूम इंडस्ट्री में। रिब्स नाम हम लोग बहुत बैठ के, हम लोग छः भाई है, तो ये सब के नाम की बिगिनिंग के लेटर्स है। मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम रिजवान है तो उसका आर, फिर इरफान है उसका आई, फिर इमरान है उसका आई, फिर फुरकान है उसका एफ, फिर फरहान है उसका एफ, और फिर सलमान जो है उसका एस। ये छः भाई के नाम को मिला के रिप्स को एक ब्रांड बनाया गया। एंड इट इज़ वो बहुत अच्छा हमको उसका रिस्पॉन्स मिला है। सर, इसकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो उसको यूनिक बनाती है, उसकी मतलब जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स को कम्पीट करते हुए एंड इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसिस के अंदर इसको ला के मार्केट में लॉन्च किया गया है, जो पैकेजिंग विच मैचेज इंटरनेशनल क्वालिटी और फ्रेगरेंसेज जो बहुत अच्छी है, जिसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग है, फ्रेगरेंस है, मतलब आदमी से लगाए तो ऐसा नहीं होगा कि उसका सर चढ़ गया, सर दुख रहा है, बहुत कंफर्टेबल है, वेरी रिच फ्रेगरेंसेज। अगर सर उसके पीछे की रिसर्च के बारे में थोड़ा बात करें कि जब आपने फैसला किया कि इस तरह की ब्रांड को लॉन्च करना चाहिए, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी? जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है कि जिसमें सर नहीं दुखता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आई एम श्योर आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, तो अगर कुछ बताना चाहे कि क्या क्या रिसर्च करना पड़ा था इस प्रोडक्ट रिसर्च तो इसमें पूरा बिगिनिंग से ही होता है, स्टार्ट्स विद द पैकेजिंग, बॉटल्स है, बॉक्स है, कैप्स है, उनके अंदर की फिनिशिंग है, देन फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस की क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, सब चीज़ पे पूरी रिसर्च करके वो हम लोगों का एडवांटेज है कि वी आर द फोर्थ जनरेशन, तो हमको वो हर चीज़ की बेसिक नॉलेजेस बहुत अच्छी थी हमारे पास, हम लोग की पूरी टीम पूरी है यहाँ पर है और मौजूद है, तो उसको सबको यूटिलाइज करते हुए ये किया गया। ओके, और सर आने वाले 5 साल में ब्रांड को कहाँ देखना चाहते हैं आप, क्या कुछ यूनिक ऑडियंस के सामने लाना चाहते हैं आने वाले 5 साल? जो ऑडियंस जो हम लोगों का मेन टारगेट था वो ये था कि जो अपर क्लास और वो लोग जो ब्रांडेड परफ्यूम इंटरनेशनल परफ्यूम जो भारी वाले यूज़ करते थे, उनको उस टाइप की उस क्वालिटी का उस टाइप की पैकेजिंग उस टाइप की फिनिशिंग वाले प्रोडक्ट्स उनको अफोर्डेबल प्राइजेस में देना था, जिससे कि वो अफोर्डेबल प्राइजेस में, और आज हमारी जो ये पैकेजिंग और जो फिनिशिंग और जो फ्रेगरेंसेस और जो क्वालिटी है, तो आज अपर क्लास वाले भी इसको यूज़ करते हैं, मिडिल क्लास वाले भी करते हैं, लोअर मिडिल क्लास भी इसको यूज़ कर लेते हैं, इट इज़ फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। सर, आपके ब्रांड को लोग पसंद तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी को जोड़ने से मतलब और भी मतलब ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाएगी और मतलब और भी लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि बॉलीवुड से डेफिनेटली बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग रिफ्स ग्लोबली प्रेजेंट करना चाहते हैं हम उसे, तो उसे ग्लोबली करने के लिए और सब बॉलीवुड सब चीज़ के सबकी ज़रूरत तो पड़ेगी, सबका रहेगा साथ। सर, क्या लगता है कौन सा ऐसा एक्टर है जो ब्रांड के साथ मतलब ब्रांड की क्वालिटी को मैच करता है, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप, जो आपके दिमाग में हो? वैसे तो ब्रांड एम्बेसडर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ब्रांड को जो सूट करता हो आपके हिसाब से? अभी ये तो दिस टाइम विल टेल, ये जो है ये वक्त बताएगा अभी, क्योंकि अभी इसके अंदर हम लोग एट प्रेजेंट वी कैन नॉट डिस्कस ऑन दिस, क्योंकि ये आगे वाले स्टेप्स है, फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years डाउन द लाइन इसके ऊपर हम लोग बुक करेंगे। सर, ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं कंपनी को, और कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं जो आप लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं, और ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ जो आप ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं? वेल, इसके अंदर तो हम लोग अभी हर तरीके की फ्रेगरेंसेज पे वी आर वर्किंग, देर इज वन टीम विच इज़ वर्किंग ऑन द फ्रेंच फ्रेगरेंसेज, वन है जो ग्लोबली मतलब मिडिल ईस्ट टाइप की परफ्यूम्स है, फ्रेगरेंसीज है, ऊद है, खस है, वो है, और लोकल फ्रेगरेंसीज है जो लोकली मार्केट में है, तो वो सब की टीम्स अलग अलग है विच आर वर्किंग ऑन ऑल टाइप ऑफ फ्रेगरेंसीज टू बी डन एवरीवेयर,
ये सब जगह पर, हर कंट्री पर, हर जगह पर चलना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसी होती है जहाँ रोज़ फ्लावरी स्मेल पसंद करते हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ फ्रेश फ्रेगेंसी यूज़ करते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लेसेस। तो वो सबसे हर टीम के, हमारी हर टीम के, हर अलग अलग टीम बनी हुई है उसके ऊपर मेहनत करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि 6 भाई लोग जुड़े हैं आपके ब्रांड के साथ, 6 का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अगर उस बारे में कुछ बताएं, कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं और कैसे ब्रांच फॉर्मिंग होती है, क्या लोग एक मतलब जो भाई है एक दूसरे से एग्री करते हैं अगर किसी प्रोडक्ट को लेकर, अगर इसके लिए कैसे आप लोग डिस्कस करते हैं? डिस्कशन होता है इसके अंदर जब प्रोडक्ट लॉन्चिंग का टाइम आता है, उस वक्त डिपेंड होता है, क्योंकि उस वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ 2 प्रोडक्ट लेते हैं, 2 प्रोडक्ट तो करते हैं, उस टाइम 20 प्रोडक्ट बन तैयार होते हैं, उसमें से भी सिलेक्शन होता है, कट डाउन करते करते फिर 3-4 प्रोडक्ट पर आते हैं, वो लॉन्च होते हैं, तो 20 बनते हैं, तो 20 प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं होते, तो इट वो सब का फिर सब भाइयों का आपस में राय मशवरा होता है, सबके व्यूज़ आते हैं, फिर जो जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और सर मुंबई में कितने स्टोर्स हैं और कितने और स्टोर्स लॉन्च करने वाले हैं? अगर अभी हम लोगों के यहाँ मुंबई में 3 है, आने वाले 2 साल के अंदर और मतलब 10-12 स्टोर्स और लॉन्च हो जाएंगे 1 साल के अंदर, और आगे और होते जाएंगे, एंड वी आर लुकिंग फॉर अदर स्टेट्स के कैपिटल्स भी है टारगेट में, है दिल्ली है, मद्रास है, ये सब जगह भी है, अभी वो विद टाइम वो सब भी चालू हो जाएंगे। परफ्यूम का मार्केट इज़ ग्रोइंग एंड इज़ डूइंग वेरी वेल, और उसके रिस्पॉन्सिस भी अच्छे हैं हमको, और सिर्फ बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं, इवन छोटे छोटे सिटीज़ है, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर से भी हमको हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, हमारे माल जाते हैं, वहाँ पर भी काउंटर्स पर आपको हमारे माल मिलेंगे। वी आर ऑलरेडी देयर इन ऑनलाइन मार्केट में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बोल हम लोग की खुद की वेबसाइट भी है और हम लोग का खुद का प्लेटफॉर्म भी है, हर चीज़ हम लोग के थ्रू ही सब चीज़ हो रहा है ऑनलाइन पूरा। बोलो हाँ बोलो ऑनलाइन का बोलो ऑनलाइन करो खुल के बात करो ऑनलाइन का बात करो ऑनलाइन पे अभी हम लोग फिलहाल जितने भी मार्केट प्लेस हैं हम लोग सब पे प्रेजेंट है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, मिंत्रा, एवरीवेयर, हर जगह पे हम अवेलेबल है। अब कुछ ही टाइम में हमारी खुद की ऑनगोइंग एक फ्रेग्रेंस बुक करके हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे आप 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट से लेके आपको 1800 तक का प्रोडक्ट मिलेगा, जो हम बहुत जल्द लाइव हो जाएंगे, वो हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, इधर हमारे 7 से 8 ब्रांड रहेंगे, जो आप फ्रेंच हो गया, ओरिएंटल हो गया, सस्ता हो गया, महंगे से महंगा हो गया, रोल ऑन्स हो गए, ऑयल कंपाउंड्स हो गए, जो फ्रेग्रेंस बहुत एकदम क्लोज कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कोई आता है हमारे शॉप में, कोई हमको बोलता है कि हमको कूल वाटर चाहिए या ये मतलब वो सब, मतलब अच्छे एकदम फ्रेश ओरिएंटेड फ्रेग्रेंसेस, हर चीज़ आपको फ्रेग्रेंस बुक पर हमारी वेबसाइट पर जल्दी लाइव मिल जाए। सर लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे जो कस्टमर्स आपको देख रहे हैं? We just believe in giving the people the value for their money. और हमको हम लोग कोई बहुत बड़े मार्जिन, बहुत बड़े प्रॉफिट पे नहीं करते, हमारा सिर्फ टारगेट यही है कि वी शुड गिव टू द पीपल द वैल्यू फॉर देयर मनी, और हर तबके के लोग अच्छी चीज़, अच्छे फ्रेगरेंस को, अच्छे उसको यूज़ कर सकें एंड एन्जॉय कर सकें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।